गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की शुरुआत सुबह से हम करते हैं। तो अब ये नाश्ता हो रहा है और ये मस्का पाव और उसके ऊपर शक्कर डाल के चाय के साथ भून पाव, उसका मज़ा। ओहो, तो अभी तो नाश्ता हो रहा है, अब नाश्ते के बाद खाना बनाना है। और हम लोग ने अब डिसाइड किए कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे हमारे गांव बानकोट। सो बाय बाय मुंबई। तो अब हम चले जाएंगे बानकोट। तो अब उसके लिए मुझे पैकिंग करना है, तो अभी मैं झटपट खाना बना दूंगी। कुछ आज सोची आप लोगों से खीमे की रेसिपी मैं शेयर कर लूं। तो अब आज बनेगा कीमा। अब वो देखना है कि अफ़गानी कीमा बनता है या ईरानी, अब वो मैं डिसाइड करती हूँ। और उसके बाद सारी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग भी करना है आज मुझे, तो वो भी आज ही हो जाएगा। तो जब तक एंजॉय ब्रेकफास्ट। ये खीमा मैंने वॉश कर लिया है, ये हाफ़ के जी जितना तकरीबन हाफ़ के जी खीमा है। ये मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला, ये थोड़ा ये नमक टेस्ट के हिसाब से, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब ये सारा जो कीमा है इसे ये मसाले में मिक्स कर लेना है। तो ये जो कीमा है ये मैंने मैरिनेट कर लिया है, और ये जो इसकी कीमे की मटन की, ये जो मटन की नली है, जो पाया जिसे कहते हैं, वो नली है, तो ये थोड़ा सी तरी के लिए ऐड किया इसमें। तो ये अब मैरिनेट हो जाएगा, और इसे जब तक मैं सारा मसाला बनाए तक और जो चॉप्ड ऑनियंस वगैरह है वो फ्राई किए तक, ये अब मैरिनेशन के लिए रख दिया जाएगा। और इस जार में तकरीबन 1 कप जितनी कोतमीर है, 4 से 5 हरी मिर्च है, ज़ीरा है, और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है, और ये अब सारा ग्राइंड हो जाएगा। ये मसाला अब रेडी हो चुका है, ये जब प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद हमें इसे ऐड करना है। अब इसमें मैंने तेल डाल दिया, तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच तेल होगा, आप अंदाजे से डाल सकते हो। पहले हम इसमें फ्राई कर लेंगे कीमा, जो कीमा मैरिनेट किया हुआ है, ये अब इसमें फ्राई हो जाएगा। एकदम फास्ट रखना है और इस पे हमें ये कीमे को करना है फ्राई। आप देख सकते हो इसका कलर कैसा चेंज हो रहा है। कीमे को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और ये प्याज और टमाटर, ये एक टमाटर है और 3 प्याज है, ये मैंने चॉप करके रख दिया है। तो पहले हम कीमा फ्राई करके निकाल लेंगे साइड में अलग से, और इसके बाद सारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा इसका। तो अब जैसे कि ये फ्राई हो चुका है, आप इसका कलर भी देख रहे हो, चेंज हो गया है, तो अब हम इसे एक बोल में साइड में निकाल कर रख देंगे। मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी है। अब इसमें ये देख सकते हो बहुत सारा तेल है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँ।
और इसी तेल में अब हम डाल देंगे थोड़े से साबुत गरम मसाले, जो कि एक दालचीनी, दो इलायची लगता है। अब इसमें चला जाएगा प्याज। ये प्याज को अच्छे से अब फ्राई कर रही हूँ। और हरी मिर्च जो है वो एकदम एंड में, जब सारा मसाला भूनकर हो जाएगा उसके बाद इसमें डालना है हरी मिर्च, वरना क्या होता है हरी मिर्ची एकदम मींस वो दिखती ही नहीं है। ये 10 से 12 दाने मैंने काली मिर्च डाल दी है, मैं पहले भूल गई थी। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें बारी आ गई है टमाटर डालने की। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करने वाले हैं। इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें चला जाएगा टमाटर। टमाटर डाल दिए, अब इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सिर्फ 1 ही चम्मच डालना है, टीस्पून ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने जो मसाला मैरिनेट करके कीमे को रखा था उसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया हुआ है। तो ये मसाला थोड़ा हो जाएगा। इसे भून लिया मैंने। अब हम इसमें डाल देंगे जो कोथमीर, मेरा जो पीसा था मैंने पेस्ट, ये कोथमीर का पेस्ट इसमें चला जाएगा। हाफ टीस्पून हल्दी, खुशबू बहुत ही जबरदस्त आ रही है। तो ये जो चटनी जैसा पेस्ट मैंने पीस दिया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और अभी इसे अच्छे से फ्राई किया जाएगा। ये 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने। तो इसमें 1/2 टीस्पून जितना मैंने नमक डाल दिया है, और अब इसमें चला जाएगा कीमा जो हमने फ्राई करके रखा था। देखिए ना, कीमा चला गया, और ये जो हरी मिर्च है ये 3 हरी मिर्च डाल दी मैंने ऊपर से। अब इसमें चला जाएगा आलू। मैंने इसमें वटाने नहीं डाले हैं, आप चाहे तो वटाने डाल सकते हो आलू स्किप करके। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक कर रख देना है। ऐसा पानी ऐड कर लिया मैंने ताकि जल ना जाए। 15 मिनट मैं इसे ढक कर रख दूंगी ताकि आलू और कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब इसका कलर देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। अब हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट के लिए बारीक आंच पर रख देंगे। तो है, और हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। आलू गल गए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो कीमा रेडी है, अब इसे हम गार्निश कर देंगे कोथमीर से। तो अब इस पे हमने डाल दी है कोथमीर, और हमारा कीमा जो है रेडी है, अब इसे ढककर रख।
ये हमारे साहबजादे अब उठ चुके हैं, अब ये नहाएंगे और इसके बाद इनका होगा नाश्ता, जो कि बज रहे हैं डेढ़ बजे हुसैन उठा है, अब इनका होगा डायरेक्टली खाना। नाश्ता तो नहीं करेगा अब ये। तुम खाना खाएगे या नाश्ता करोगे? नाश्ता नहीं, अब खाना खा लो, ठीक है? मम्मा ने खाना बना लिया, ओके। ये तो ये मैं और हुसैन अब खा रहे हैं खिचड़ी और कीमा। बहुत गर्म है। सो फाइनली जो मैट्रेस है वो आ गया है, कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग है। अब ये गांव में जाके खुलेगा, तो देखते हैं कैसा है, इसका रिव्यू तो डालना बनता है। लेट्स सी। हुसैन का केक आया है, हुसैन की अभी एक्साइटमेंट लेवल देख लो सर। Happy birthday dear Hussein, happy birthday to you. चलो कट करो। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि 11:15 बज गए हैं, तो आज का वीडियो यहीं हम एंड करते हैं हुसैन के बर्थडे केक के साथ। एक्चुअली ये केक रिजवान ने बाद में लाया, रिजवान बर्थडे के टाइम पे नहीं थे, तो उनको आज याद आया कि मैं एक केक लेकर चले जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड होता है, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मटन कीमा रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, व्लॉग्स के लिए। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।